वेस्ट ईस्ट में जो जाने का ब्रिज है वहाँ से भी ओवरटेक, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा था तो हम लोग, एक सामने वाला बंदा ओवरटेक कर गया था, उसके पीछे हम लोग जा रहे थे, बस उसको ही ओवरटेक करने के चक्कर मेरा साइड ग्लास उसमें टच हो गया, बस उसने, मैंने गाड़ी आगे लगा के उसको सॉरी बोला तो उसने हाथापाई कर लिए। कलम बीच से घर जा रहे एक लड़के की मौत, बाइक पर टक्कर लगने से लड़के की पीट पीट कर कर दी हत्या। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार से है कि रविवार यानी 9 जुलाई की शाम करीब 4:30 बजे के आसपास नालासोपारा पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले फ्लाईओवर पर तीन लोग एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी पीछे से रोहित यादव 20 वर्षीय और विकेश चौधरी दो पहिया वाहन से आ रहे थे। वहीं विकेश और रोहित की जो बाइक है एक अन्य दो पहिया वाहन से जा टकराती है। हम लोग कलम से घर पे जा रहे थे तो अपन वेस्ट से ईस्ट में जो जाने का ब्रिज है वहाँ से भी ओवरटेक, मतलब ट्रैफिक ज़्यादा था तो हम लोग, एक सामने वाला बंदा ओवरटेक कर गया था, उसके पीछे हम लोग जा रहे थे, बस उसको ही ओवरटेक करने के चक्कर मेरा साइड ग्लास उसमें टच हो गया, बस उसने, मैंने गाड़ी आगे लगा के उसको सॉरी बोला तो उसने हाथापाई कर लिए। वहीं इस मामले से वजह से उनमें बहस हो जाती है, जिसके बाद दो पहिया वाहन पर तीन लोग सवार रोहित को पीटना शुरू कर देते हैं। दिन दहाड़े जब यह सब चल रहा था तो किसी ने इसमें बोलने की कोशिश नहीं की, ना ही इन्हें रोकने की भी कोशिश की। पिटाई से रोहित यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नालासोपारा पूर्व के नगर पालिका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान रोहित को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं आपको बता दें कि रोहित संतोष भवन नालासोपारा पूर्व का रहने वाला था। इस मामले में नालासोपारा पुलिस स्टेशन में तीन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं रोहित के साथ उसके साथी ने बताया कि वो कलम बीच से जब घर जा रहे थे तो उन्हें ओवरटेक करते समय मृतक की बाइक आरोपियों की बाइक से टकरा गई थी। इस बीच दोनों में बहस हुई और उन्होंने रोहित को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। वहीं इस पूरे मामले पर सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन तीनों आरोपियों को पुलिस कब तक पकड़ पाती है। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसे ही मुंबई टेलीविजन की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मुंबई टेलीविजन की खबरें आप तक पहले पहुँच सकें।